टू आवर चैनल रंजन स्टडी सेंटर। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज ये वीडियो अपडेट में लेके आया हूँ सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। और इस वीडियो में मैं इंग्लिश सब्जेक्ट के जो फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, इस लेसन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूँगा, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है 100% देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर सीबीएसई के सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है समय समय पे वीडियो अपलोड की जाएगी, एक एक करके हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो जितने भी जो हमारे चैनल पर नए हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं सीबीएसई के स्टूडेंट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल बोर्ड के भी सभी सब्जेक्ट के वीडियो उपलब्ध हैं। तो जो भी स्टूडेंट वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड के, चाहे वो सीबीएसई के हों या फिर वेस्ट बंगाल बोर्ड के और वेस्ट सीबीएसई के सभी स्टूडेंट, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो इस कहानी में जो लेंचो है उसको किस चीज़ की आशा रहती है, तो आंसर देख सकते हैं इसका, कि आंसर आप लोगों का है लेंचो जो है इस क्वेश्चन जो लेसन है उसमें आशा करता है ए गुड शोवर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, यानी कि एक अच्छी बारिश जिससे कि उसका फसल जो है अच्छा से हो, इसका वो आशा करता है। दूसरा क्वेश्चन, वाई वाज लेंचो सेटिस्फाइड। लेंचो जो है वो सेटिस्फाइड क्यों हो जाता है, संतुष्ट क्यों होता है। तो ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ फ्लावर्स, यानी कि वो खेतों में जो है वहाँ पे फूल देख लेता है, जो जो फसल लगाया हुआ है, फसल खिला हुआ देखता है, इसीलिए वो संतुष्ट या सेटिस्फाई हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो नीड मनी। लेंचो को पैसे की ज़रूरत क्यों थी, तो आंसर होगा टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए लेंचो को जो है पैसे की ज़रूरत थी। अगला क्वेश्चन चौथा, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। पोस्ट मास्टर ने तब क्या किया, तो इसका आंसर होगा ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। जब पोस्ट मास्टर ने लेंचो का पत्र पढ़ा, तो पोस्ट मास्टर ने अपने पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी थे सभी से पैसे कलेक्ट किए और डिसाइड किया कि लेंचो को पैसा भेजेंगे। पांचवा क्वेश्चन, हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो। लेंचो ने जो पत्र भेजा उस पत्र को किसने पढ़ा था, तो इसका आंसर होगा द पोस्ट मास्टर। किसने पढ़ा था, द पोस्ट मास्टर ने। अगला क्वेश्चन सिक्स नंबर, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड किसने लिखा है, तो इसका आंसर होगा जी एल फ्यूनेट्स ने ये लेसन लिखा है। सातवां क्वेश्चन, व्हाट इज द आयरनी इन दिस लेसन। इस लेसन का आयरनी क्या है, तो लेंचो ब्लेम डेट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हु इन फैक्ट हेल्प हिम। तो लेंचो ब्लेम किया कि पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉय है वो जो है इसके साथ धोखा किया और पैसे को चोरी कर लिया। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, क्या सोचा, तो बंक कुरूप, यानी कि लुटेरा जो कि पैसा चोरी करते हैं दूसरों का, तो ये सोचा। वाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द एनवेलप, तो लिफाफा में पैसा देख के वो चौंका क्यों नहीं, तो क्यों, तो ही हैड अन वेयरिंग फेथ इन गॉड, यानी कि उसको ईश्वर पर भगवान पे विश्वास था कि भगवान पैसा भेजे गए ही, इसीलिए वो चौंका नहीं। हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। पोस्ट मास्टर जो है वो 70 यानी कि 70 पैसों जो है वो जमा कर पाया था। वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई द लेंचो लेटर, क्यों सोचा कि लेंचो का लेटर का जवाब देंगे, तो टू प्रिजर्व लेंचो फेथ इन गॉड, क्योंकि लेंचो भगवान पे विश्वास करता था, अगर इस पत्र का जवाब नहीं मिलता तो लेंचो का भगवान से भरोसा उठ जाता, इसीलिए पोस्ट मास्टर ने ये डिसाइड किया था। और लेंचो ने कितने रुपए की डिमांड की थी, तो 100 पैसेस। द पोस्ट मास्टर वाज ए फेट एमीबेल मेन। व्हाट इज द मीनिंग एमीबेल, तो फ्रेंडली, पोस्ट मास्टर जो है फ्रेंडली आदमी था, फेट भी था। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, तो 100 पैसेस। व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ द लेंचो फैमिली, तो हेल्प फ्रॉम गॉड, उसका परिवार का एक ही इच्छा था दिल में कि भगवान मदद करेंगे। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट इज वेयर कवर्ड इन तो सॉल्ट। विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचो फील्ड, तो कॉर्न। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउन पावर टू कम फ्रॉम,
तो आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, टू टॉप ऑफ ए हिल। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन थे इस लेसन के वो मैंने डिस्कस किए। अगले वीडियो में ऐसे की क्वेश्चन जो कि एक या दो लाइन में लिखना रहता है, एक मार्क्स का और दो मार्क्स का, उसका डिस्कशन करूँगा। वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सीबीएसई के सभी स्टूडेंट्स को जो है हर एक सब्जेक्ट का जो है हिंदी में एक्सप्लेनेशन मिलेगा, हिंदी में अच्छे से हर एक लेसन को समझाया जाएगा। तो जितने भी हमारे चैनल पर नए जो है सीबीएसई के स्टूडेंट, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।